हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे कुछ एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स, जिन्हें हम वेरी के साथ वर्ब यूज़ करते हैं उनकी जगह लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बहुत मज़ेदार। तो वेरी इंटरेस्टिंग की जगह हम फैसिनेटिंग यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। द स्टोरी वॉज फैसिनेटिंग, कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। यहाँ पर हमने वेरी इंटरेस्टिंग की जगह फैसिनेटिंग का यूज़ किया है। द स्टोरी वॉज फैसिनेटिंग। नेक्स्ट है वेरी वीक। वेरी वीक का मतलब होता है बहुत कमज़ोर। तो वेरी वीक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेल। सेंटेंस देखिए इसका, द चेयर लेग्स आर फ्रेल, यू माइट फॉल डाउन। कुर्सी के पैर बहुत कमज़ोर हैं, तुम गिर सकते हो। द चेयर लेग्स आर फ्रेल, यू माइट फॉल डाउन। नेक्स्ट है वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट का मतलब होता है बहुत ईमानदार। तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रैंक। इसका सेंटेंस देखिए, ही गेव स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स, उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया। वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। तो वेरी ब्यूटीफुल की जगह हम गॉर्जस यूज़ कर सकते हैं। यू आर लुकिंग गॉर्जस टुडे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यू आर लुकिंग गॉर्जस टुडे। तो वेरी ब्यूटीफुल की जगह हमने यूज़ किया है गॉर्जस। वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। वेरी हैप्पी की जगह हम यूज़ करेंगे थ्रिल्ड। वेरी हैप्पी की जगह थ्रिल्ड यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, आई एम थ्रिल्ड टू विजिट सिंगापुर, मैं सिंगापुर घूमने जाने के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम थ्रिल्ड टू विजिट सिंगापुर। हमने यहाँ वेरी हैप्पी की जगह थ्रिल्ड का यूज़ किया है। वेरी एंग्री, बहुत गुस्से वाला। तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इंडिग्नेंट या फिर एनरेज्ड। इंडिग्नेंट या एनरेज्ड। सेंटेंस देख लीजिए इसका, द इंडिग्नेंट कस्टमर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द बैड सर्विस। नाराज ग्राहक खराब सेवा के बारे में शिकायत कर रहा था। यहाँ पर हमने वेरी एंग्री की जगह इंडिग्नेंट का यूज़ किया है। द इंडिग्नेंट कस्टमर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द बैड सर्विस। वेरी स्लो, बहुत धीरे। वेरी स्लो की जगह हम यूज़ कर सकते हैं स्लगिश। स्लगिश, वेरी स्लो की जगह स्लगिश यूज़ कर सकते हैं। माई फ़ोन हैज़ बिकम सडनली स्लगिश, मेरा फ़ोन अचानक बहुत सुस्त हो गया या बहुत धीरे चलने लगा। वेरी स्लो की जगह हमने यहाँ यूज़ किया है स्लगिश। वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। तो हम वेरी इंटेलिजेंट की जगह यूज़ करेंगे ब्रिलियंट। माई इंग्लिश टीचर इज़ ब्रिलियंट, मेरी अंग्रेजी टीचर बहुत ही बुद्धिमान है। माई इंग्लिश टीचर इज़ ब्रिलियंट। वेरी इंटेलिजेंट की जगह हमने यूज़ किया है ब्रिलियंट। वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो वेरी गुड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग। योर स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस वॉज आउटस्टैंडिंग, सम्मेलन में आपका भाषण बहुत अच्छा था। योर स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड की जगह हमने आउटस्टैंडिंग यूज़ किया है। वेरी लकी। वेरी लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। तो वेरी लकी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, वेरी लकी की जगह फॉर्चुनेट यूज़ कर सकते हैं। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव यू एज माई मदर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी माँ हैं। वेरी रिच। वेरी रिच का मतलब होता है बहुत अमीर या समृद्ध। तो इसका वर्ड रिप्लेसमेंट है वेल ऑफ, या आप बोल सकते हैं प्रॉस्परस या फिर वेल्दी भी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ प्रॉस्परस सिटी, यह बहुत ही समृद्ध शहर है। वेरी रिच की जगह हमने यूज़ किया है प्रॉस्परस। आप यूज़ कर सकते हैं वेल ऑफ या फिर वेल्दी। वेरी क्यूट। वेरी क्यूट का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो इसका वर्ड रिप्लेसमेंट है अडोरेबल। अडोरेबल, द बेबी इज़ अडोरेबल, बच्चा बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर वेरी क्यूट की जगह हमने अडोरेबल यूज़ किया है। नेक्स्ट है वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वेरी क्राउडेड, तो इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं क्रैम्प्ड या फिर जैम पैक्ड। जैम पैक्ड या फिर क्रैम्प्ड। मॉल्स आर क्रैम्प्ड ऑन द वीकेंड्स, सप्ताहांत में मॉल में बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ पर हमने वेरी क्राउडेड की जगह यूज़ किया है क्रैम्प्ड। आप यूज़ कर सकते हैं जैम पैक्ड या फिर क्रैम्प्ड, वेरी क्राउडेड की जगह पर।